नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं अपने ऑफिस में तो सबसे पहले आपको उन लोगों से कुछ यूनिक करना होगा, कुछ अलग करना होगा, तभी आप जाकर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पे इस टाइप से यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको लोगों से कुछ अलग बनाती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं गूगल क्रोम के टॉप 5 यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों अपने नंबर 1 टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब मैं कोई साइट ओपन करूँगा, जैसे मैंने ओपन करता हूँ www.cfi.com, ठीक है, मैंने ओपन किया। एक में मैंने गूगल ओपन कर लिया, राइट, और एक में मैंने जीमेल ओपन कर लिया, राइट, ठीक है। अभी देखिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सीखिए कुछ यूनिक ट्रिक्स है, सबसे हट के है और सबसे अलग ट्रिक्स है। दोस्तों अगर मान लीजिए अभी आपने ये 3 ब्राउज़र ओपन किया है और गलती से आप ये ब्राउज़र क्लोज हो जाता है, ये वाला क्लोज हुआ जीमेल, फिर गलती से आपने ये भी क्लोज कर दिया सीफी का, ठीक है। अब अगर आप इसे अनडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो नहीं आने वाला है दोस्तों ये ब्राउज़र, तो हमको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी, तो जो हमने सबसे लास्ट में ब्राउज़र क्लोज किया था वो आ जाएगा। अगर फिर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो हमने क्लोज किया था वो आ जाएगा। इस तरह आपका असेंडिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने सबसे पहले, देखिए मैंने ये ब्राउज़र क्लोज किया, उसके बाद मैंने सबसे लास्ट में जीमेल क्लोज किया, तो अब मैं जब कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस करूंगा तो सबसे पहले सबसे लास्ट में मैंने क्या क्लोज किया था, जीमेल, तो सबसे लास्ट में मेरा जीमेल आएगा। उसके बाद मैंने क्या क्लोज किया था, सीफी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो उसके बाद मेरा सीफी आएगा। तो है ना दोस्तों काफी कमाल की चीज। तो चलिए दोस्तों अपने न्यू यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन करना है तो आप माउस से ओपन करते हैं, तो आप कुछ अलग करिए, कंट्रोल के साथ आपको जस्ट टी प्रेस करना है। जितनी बार आप कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे न्यू टैब ओपन होती जाएगी, राइट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगर आपको न्यू वेबसाइट यहाँ टाइप करनी हो या कुछ भी टाइप करना हो तो आप लोग माउस से क्लिक करके टाइप करते हो, आपको जस्ट एक सिंपल सा शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एल, और आप इजीली यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हो, राइट, है ना। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर मूव करते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ गूगल खोला, अब मैं चाहता हूँ गूगल वॉइस असिस्ट, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करूँगा। देखेंगे आपके सामने गूगल वॉइस असिस्ट ओपन हो चुका है, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ आ भी रहा है, आप देख रहे हैं, तो है ना दोस्तों कमाल की चीज़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर मूव करते हैं। अब आप जब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो न्यू इनकॉग्निटो टैब ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी वेबसाइट यहाँ टाइप करेंगे वो आपकी हिस्ट्री में नहीं सेव होगी, ना कोई कुकीज़ आपकी सेव होगी, ना कोई आपका इन्फॉर्मेशन सेव होगा जो आपने इंटर किया है, इनफैक्ट आपकी वेबसाइट तक नहीं सेव होगी गूगल क्रोम के हिस्ट्री में। तो है ना दोस्तों कमाल की चीज़। दोस्तों यहाँ लिखा भी है आपकी क्या क्या चीज़ें सेव नहीं होगी, इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।